कर्मचारियों हम लोगों के बीच उनके संगठनों के साथ बातचीत चल रही थी। जो संघर्ष समिति है उसके साथ पिछले 3 दिन में मेरी 3 बार मीटिंग हुई, लेकिन कुछ बहुत बात बन नहीं पाई। हमने उनको समझाया, प्रार्थना किया, गुजारिश किया, निवेदन किया, एक बार नहीं अनेकों बार किया कि ये गर्मी का सीजन है, मार्च का महीना है, जल्दी गर्मी शुरू हो गई है, जनता की बिजली की मांग बढ़ रही है, उनकी सुविधा के लिए विद्युत आपूर्ति बहुत आवश्यक है। दूसरा, हमने ये भी कहा कि ये महीना मार्च का जो महीना होता है, वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है, इस समय जो हमारा राजस्व संग्रह होता है उससे हम पूरे वर्ष अपने विकास के कार्य करते हैं, लाइन बनाने का, पोल खंभे लगाने का, और उसी पैसे से कर्मचारियों की पगार हो, बोनस हो या अन्य सुविधाएं भी हम दे पाते हैं। तो ऐसे समय में राजस्व संग्रह वाले महीने में कार्य को बाधित करना ठीक नहीं है। तीसरी बात हमने ये भी कही कि वर्षों से हम ये बात सुन रहे हैं कि राज्य में बिजली के तार जर्जर हो गए हैं, खंभे खराब हो गए हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। इन सब को ठीक करने के लिए हमारी RDSS नाम की, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम नाम की, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसका पहला चरण लगभग 17,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ हम लोगों ने अमल में डाल दिया है, धरातल पे वो योजना अब अमल होने की स्थिति में आ गई है, कई जगह उसके काम शुरू भी हो गए हैं। इस वर्ष जो वर्ष बीत रहा है वित्तीय वर्ष, उस वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी है। तो उस दृष्टि से भी मार्च के महीने में उस कार्य को पूरा करना और उस पैसे को खर्च करना, जिस सदुपयोग करना, इससे जनता को भविष्य में आने वाली बिजली की समस्याओं से निजात मिल सके। इन सारे कारणों के मद्देनजर मैंने कहा कि ये समय उचित नहीं है आंदोलन का। हम बातचीत के लिए हमेशा प्रस्तुत हैं, जब आप कहो तब हम बैठने को तैयार हैं। बैठे भी लगातार बैठे, कई कई घंटे बैठे, लेकिन फिर भी कुछ हठधर्मी लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अभी की स्थिति में जैसा मेरी जानकारी है कि उन लोगों ने आंदोलन आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, हम सर्वप्रथम ऐसे अपने विद्युत कर्मी संगठनों